शेर अभी तो नाव समुद्र में है, क्या जाना क्यों होवे। हे नर अचेत पाप ते डर, जेने पाप तेरी बसों च नहीं, तू बगैर तेरी समझ तो हो गए उन्हें तो ही डर। चौन कमेटी दी नक थले सारा बॉर्डर एरिया अज ईसाई बन रहा है। तुसी उन्हें दे जड़ा रोजमर्रा दियां जूतां दा ख्याल नहीं रखोगे तो प्रचार कितों बढ़नगे। दरअसल बादल चाहता ही नहीं कि सिखां दे विच सिक्खी प्रति जागरूकता पैदा करने वाले सिख पैदा होवन। ये दूजे धर्मां च क्यों शामिल हो रहे हैं। बीबी जगीर कौर आप एक डेरा चलाती है, उन्हें पता नहीं 150 रुपये दिहाड़ी से पार्टी सिंह से प्रचारक की प्रचार करेंगे। बादल दी डिप्टी मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, जो मर्जी बने, कौम की मर्यादा से परंपरा के तहत नहस करके रख दी है। अपने हथी आप चिट्ठी लिख रहा, वो चिट्ठी नहीं लिख सकया। एक मनजिंदर सिंह ठीक लिखा, बाकी साहब काटे वजे पे, गुरु की गोलोक चो चो लड़ोगे बड़ा बुरा हाल होगा। इट विल बी बेटर यू शुड क्विट इमीडिएटली। कौम के जिहड़े प्रचारक ने, ग्रंथी ने और जिहड़े पार्टी सिंह ने, वो गुरबत का संदाप बोग रहे हैं। तो हाल ही उन्होंने नवे शहर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जिस उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी के बारे से, लोड़ींदा जरूरतों के बारे दसे, तो उन्होंने पूरी नहीं हो पा रही। तो SGPC ने या होर किसी इंस्टीट्यूशन ने इन प्रॉब्लम नू हाले तक एड्रेस नहीं किया, और काफ़ी टाइम तो चीज़ा हो रही हैं तो हाले तक इन चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पाए। तो की लगता है इस जी उन्होंने नवे शहर मीटिंग रखी है, इसका मैं पता लग्या है भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने प्रचारकों या होरों 150 रुपये दिहाड़ी की तनखा दे रही। 150 रुपये दिहाड़ी का मतलब है 4,500 रुपया 30 दिन का। मैं समझा कि अज दिल्ली के घर के कोई काम करने वाले बंदे 15-20 हज़ार रुपये तो घट नहीं जाते। असी अपने प्रचारकों पासों, पार्टी सिंघां पासों, अगर जिहड़ी के डेली वेजिस की सरकार वालों होगी उसका भी तीजा हिस्सा देंगे, तो असी उन्हां कोलों 30 तुक्को रख सकते हाँ कि उस कौम का सिक्खी का प्रचार पैदा करेंगे। नौजवान जिहड़ा बहुत वड्डी गिणती पतित हो रहा है और अजकल नवा रुझान चल पाया, ईसाई बन रहे हैं, उन्होंने किवें मोड़ेंगे। वो दुनिया जान दियां सहूलतां ईसाई जड़े बनने वाले नूं दे रहे हैं, तुहाडा स्कूल मुफ्त करावांगे, कॉलेज मुफ्त करावांगे, बीमारी फ्री करावांगे, तो उसके मुकाबले तो श्रोमणी कमेटी जिहड़ी है कुछ भी ना करे। मन याद हैगा कि असी 9-10 तो पंजाब के तकरीबन 70-80 पिंडां दे विच प्रचारक रखे सन, 45 दे करीब। उन्हां नूं उस वक्त 10,000 रुपया महीना असी देंदे सां, अज तो 25,000 रुपया बनता है। दूसरी गल मैं ये नहीं समझ आ रही, खाली यही नहीं, जिहड़े साडे ढाडी जत्थे न उन्हां नाल भी बदसलूकी हो रही है। ढाडी जत्थे नूं अकाल तख्त साहब दे जथेदार अज कहिंदे न कि तुसीं अकाल तख्त दे नेड़े नहीं जाणा। बीबी जगीर कौर उन्हां नूं कहिंदी है कि तुसीं जाओ, मैं तुहाडी चिट्ठी कढ़ती है। जिले दफ्तर जाते हैं तो कद कहते हैं माता जी ने हाले कोई भी चिट्ठी नहीं कड़ी। तुसी किवें ये तुक्को रख सकते हो कि ये सिख कौम जी प्रचार खुणो अज बिल्कुल हेठली पद्धर से चली गई, कौन प्रचार करेगा तो की करेगा। अज जे 5-5 साल ला के गुरमत कॉलेजों चो, मिशनी कॉलेजों चो विद्या लैके इतने काम करना चाहते हैं, उन्होंने तुम ये सलूक करोगे कौन प्रचारक बनेगा। श्रोमणी कमेटी की नक थले सारा बॉर्डर एरिया अज ईसाई बन रहा है, तो ये हाले 150 रुपया दिहाड़ी दे रहे उन्होंने, ये पैसे गिन रहे हैं। इन्हों तो यह होना चाहिए भी जेडे सिख ईसाई बन चुके हैं, जोड़ा उन्होंने वापस लियाएगा, उन्होंने मूँह मंगा इनाम दिता जाएगा ताकि दिल दहराइया तो अगले काम करन। तुम उन्होंने जोड़ा रोज़मर्रा दरूरतों का ख्याल नहीं रखोगे तो प्रचारक कितों बनने। मैंने दसया जाए, मैं नहीं पता दिल्ली कमेटी की अज की आस्था हैगी, पर असी अपने वक्त पार्टी सिंह बहुत माकूल आमदन देंदे सां।
और उन्हां दे रिहायश दे लई जिहड़ी जगह बना के दित्तियां सन वह अपने आप च एक मिसाल सन। और श्रोमणी कमेटी इन्हां करके सिख कौम नाल धरोक मारी है। दरअसल बादल चाहता ही नहीं कि सिखां दे विच सिक्खी प्रति जागरूकता पैदा करन वाले सिख पैदा होवन। उन्हां दी सियासत नूं, उन्हां दी गंदी सियासत नूं फिर खतरा हुंदा है। इस वास्ते इन्हां नूं धार्मिक पक्खों सिखां नूं अनपढ़ रहण देना चाहते हैं, जिहदे लई बादल दल समुचा और श्रोमणी कमेटी जिम्मेवार ने। जथेदार पुछो तुसीं किस वास्ते जथेदारी कर रहे हो जी? सिर्फ ब्याह शादियां ते जाण वास्ते, उत्थे जाण वास्ते 25,000 21,000 11,000 दे लिफाफे तुसीं लवो एक बार जाण दे। हवाई जहाज दीआं टिकटां लवो तुसीं ते इन्हां नूं 150 रुपया दिहाड़ी दिओ। अज तक पिछले 15-20-25 सालां दे विच अकाल तख्त साहब दे जथेदार ने एक मीटिंग अकाल तख्त ते बुलाई, कदी पुछया भी ये सिख पतत क्यों हो रहे हैं, ये दूजे धर्मां च क्यों शामिल हो रहे हैं, मतलब किस वास्ते हैं? बादल विरोधियों नूं खाली अकाल तख्त ते बुलाण दा डर देण वास्ते या उन्हां नूं सजावां देण वास्ते? इस लई मैं समुचे सिख जगत नूं बेनती करदा, इस श्रोमणी कमेटी कोलों कोई आसा रखो। बीबी जगीर कौर आप एक डेरा चलांदी है, उन्हें पता नहीं 150 रुपये दिहाड़ी ते पार्टी सिंह दे प्रचारक की प्रचार करनगे? और इटसैल्फ इन्हां विचों एक पढ़ी लिखी औरत हैगी, इहदे होणियां वी इह काम होवे बेहतर रही है वो प्रधानगी छड्डे ते सियासत विच आवे, MLA दी पोस्ट लवे, बादल दी डिप्टी मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, जो मर्जी बने, जे उहदे कोल इह मसला हल नहीं हुंदा फिर इस नूं कोई हक नहीं रह गया श्रोमणी कमेटी की प्रधानगी करन दा, उहदा मैंबर बन दा। इट विल बी बैटर शी शुड क्विट इमीडिएटली। करतारपुर लांघे नूं खोलण दे लई भारत सरकार ने मना कर दिता है, सिख जथेबंदियां ते पंजाब सरकार ने भी वार वार इस नूं खोलण दे लई रिक्वेस्ट कीती है, तुहाडा इहदे उत्ते की टेक है? तुहाडी पार्टी हाले तक इहदे उत्ते साइलेंट क्यों है? क्यों नहीं तुसीं हाले तक कोई डेलीगेशन भारत सरकार कोल या होम मिनिस्ट्री कोल हाले तक क्यों नहीं गए कोई डेलीगेशन? देखो गल हैगी जी कि असी तकरीबन अगस्त या जुलाई के अखीर दे विच एक बेनती भेजी सी होम मिनिस्ट्री नूं, वी असी 100 बंदियां दा जत्था साडा करतारपुर साहब जाना चाहुंदा है, पर साडियां इलैक्शनां जिहड़ियां सन वह 22 अगस्त दीआं अनाउंस हो गईआं, असी उस नूं परस्यू नहीं कर सकदे। इस तो बाद जो कुछ दिल्ली कमेटी का हो रहा है, जिस तरह दियाँ जिहड़े मैंबर बनना चाहते उन्होंने गुरमुखी नहीं आती पी, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ नहीं कर सकते पे, और होरां कईआं ते भी तलवारां लटकियां पईआं, उन्होंने गुरमुखी लिखनी नहीं आती, दे दवा के उस वक्त पास कर लिया अपने कागज़। इस सारे मसलों असी दिल्ली के जिहड़े सिखां थोड़ा जिहा भवां उलझे हुए हैं, पर एक बार ये मसला हल हो जाए असी सरकार नूं अपील करांगे कि ये जिहड़ा लंघ है खोलिया जाए, 5,000 की जगह भावें 500 सिंघां दा रोज़ जत्था जाए, और इहदे जिहड़ी दिक्कतां आउंदियां अरेंजमेंट ये होना चाहिए कि बगैर पासपोर्ट दे अपने आइडेंटिफिकेशन लैके सिख इस क्रॉस करन, इस यात्रा नूं होर सुखाला बनाया जाए ना कि तंग किया जाए। ये असी कार्रवाई जिहड़ी हैगी दिल्ली कमेटी की एग्जैक्टिव की चोणों तो बाद शुरू करांगे, असी कौम नूं यकीन दवांदे आ। DSGMC की जनरल हाउस मीटिंग कदों तक हो सकती है? प्रधान अते सैकटरी की जी नियुक्ति वो डिले क्यों हो रही है? तो टीचर धरने पर है, सेवादार की वर्दियां नहीं मिल रही, कौन सार लेगा इन्हें इन सब की? अगर कमेटी नियुक्त होने पर इन्ना डिले हो जाएगा। बादल दल के 27 मैंबर जितते हैं, 27 तो कुछ तो नितरना जरा कौम के भले की गल कर रहा है कि इन्हों चोर डकैत लगे हुए हैं सरसे वर्गे, जेडे कि पिछले 8.5 साल कमेटी को लुट के खा गए, कौम की मर्यादा तो परंपरा के तहत नहस करके रख दी है, जेडे कि गुरु ग्रंथ साहब तो शब्द पढ़ नहीं सके, अपने हथी आप चिट्ठी लिख रहा वो चिट्ठी नहीं लिख सकया, एक मनजिंदर सिंह ठीक लिखा बाकी सब काटे वजे पे,
ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਸਦੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਧੜੇ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਰਸੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜੋ। ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਤਾ, ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਵਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰ ਅਬੀ ਤੋਂ ਨਾਉ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੇ ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਤੇਰੀ ਵਸੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਗੈਰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਟ ਲੁੱਟਦੇ ਪਿਓ, ਪੁੱਟਦੇ ਪਿਓ, ਔਰ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਡਰ ਪਓ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੈਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਪਾ ਲਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।